खबर गंगा घाट से आ रही। एक युवक की मिली लाश। पश्चिमी चौकी क्षेत्र का मामला। गोपीनाथपुरम के पीछे रेलवे पटरी पर मिली एक युवक की लाश। गंगा घाट स्टेशन द्वारा गंगा घाट पुलिस को सूचना मिलने पर उप निरीक्षक जेपी रमन पहुंचे घटना स्थल पर। जानकारी के मुताबिक यह घटना गाड़ी संख्या 12180 इंटरसिटी एक्सप्रेस आगरा लखनऊ द्वारा टक्कर लगने से हुई। गाड़ी ड्राइवर से टक्कर लगने के उपरांत मगरवारा स्टेशन को सूचना दी। युवक की उम्र लगभग 35 साल है, जो कि काला लोअर नीली टी शर्ट जिस पर बिरला सम्राट लिखा हुआ है, दाहिने हाथ में लोहे का कड़ा पहने हुए है। खंबा संख्या 66/12 तथा 66/14 के मध्य पड़ा मिला। युवक के शव की शिनाख्त करना है मुश्किल। शव का चेहरा एक्सीडेंट के दौरान हुआ गायब। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। मीटिंग की गई, निरीक्षण किया, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, रूटीन तौर पर मैं अपने जोन के सभी जनपदों में अलग अलग समय में जाता हूँ, जिससे कि वहाँ की जो पुलिसिंग है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए और जहाँ कहीं विचार विमर्श करने की आवश्यकता हो, कुछ नए सुझाव देने हो अथवा प्राप्त करने हो तो वो किए जा सकते हैं। इसी क्रम में आज मैं उन्नाव आया, परसों में सीतापुर गया था। तकरीबन हर हफ्ते दो तीन जनपदों में जाना हो ही जाता है। और आज विशेष तौर पर हमने बात की, एक तो पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के संबंध में, जनपद में जो कैमरे लगाए जा रहे हैं विभिन्न इलाकों में, जिससे कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में दिक्कत ना हो, कोई अपराध कारित होने के पश्चात उसको ट्रैक करना, अपराधी को चिन्हित करना आसान हो जाए। इस दिशा में हम और क्या क्या कर सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा की गई। साथ ही जो आने वाले दिनों में जो त्यौहार मनाए जाएंगे उनको लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहर की आम जनता को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें। जहाँ कहीं अलग अलग लोकेलिटी में जनता के सहयोग की आवश्यकता हो, सिविल डिफेंस के माध्यम से, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से, तो वो भी हम जरूर अपनी पुलिसिंग प्रणाली में सम्मिलित करें। साथ ही हाईवे पे होने की वजह से कई जगह पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लखनऊ में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी, एयरपोर्ट वाली रोड पर कई जगह पर काम चल रहा है, रास्ते में ओवरब्रिज बन रहा है और जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाता है। जब सड़क पर काम चलता है उस समय वहाँ से निकल पाना मुश्किल होता है, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कराने की आवश्यकता होती है। तो आज हमने अभी जब इस मीटिंग के दौरान ही एक अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कमिश्नर कानपुर और उनके DCP ट्रैफिक शामिल थे। कमिश्नर लखनऊ साहब द्वारा कहा गया था ये मीटिंग करा ली जाए, तो वह स्वयं भी मौजूद थे। जॉइंट CP और ट्रैफिक के जो DCP हैं लखनऊ के, वो थे रायबरेली SP थे, IG लखनऊ थे, तो सबके साथ वो DC भी इस दौरान किए गए, जिससे कि हम डाइवर्जन वाले रूट्स पर भी स्मूथ तरीके से कैसे ट्रैफिक चलाया जा सकता है, इस पर कुछ निर्णय हम सभी ने